सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। और आज है 25 सितंबर 2023 मंडे, और अभी मॉर्निंग का 7:30 हो चुका है क्योंकि बहुत जल्दी निकल गया। आज हमें पहले जाना है नाहरलगुन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से जाना है फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर जाना है दिल्ली। तो प्लान में बहुत कुछ मतलब चेंज हो चुका है, वो मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। मतलब जर्नी जो है, मतलब दिल्ली तक जा रहा हूँ, दिल्ली का बाद क्या होने वाला है वो मैं उसका बाद ही पता चलेगा। तो पहले तो दीपक भाई को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? मैं सब बढ़िया। और गाइस कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? बढ़िया है, बढ़िया है। कमेंट करते रहा करो यार। सही है, सही है। और भाई यहाँ का तो मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल रहता है, बहुत ही अच्छा है भाई। वेदर मस्त, ऐसे जाने का तो मन नहीं है। हर मतलब वेदर इतना बढ़िया है ना यहाँ का, उसका वजह से। लेकिन बहुत कुछ सोचने का बाद फाइनली ये डिसीजन लिया, तो उसका वजह से मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। क्यों जा रहा हूँ मैं बाद में बताता हूँ वहाँ पहुँचने का बाद। तो ठीक है, आज का दिन का शुरुआत करते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारे के साथ, बहुत ही ज़रा मस्त है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। हाँ। मेरा घर हरियाणा रोहतक में है। हाँ जी, और भाई मेरे साथ में दिल्ली तक चलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मगर यार घर पे और चल मेरे साथ, अपना 2-4 दिन वहाँ पे रुकना और अच्छे से देखना जो हमारे वहाँ के जो गांव वगैरह उनको एक्सप्लोर करना। तो भाई अभी देखता भाई क्या करेगा। हाँ, वही मैंने तो बोल दिया, देख लेता हूँ क्या प्लान है, क्या क्या होता है। और सुबह सुबह तो कुछ भी नहीं खाया, जस्ट मुँह धो के फ्रेश हो गया बस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना। यहाँ से जो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन है वो 100 किलोमीटर आसपास है, तो क्योंकि हम लोग हिचकिंग करके जा रहे हैं ना, गाड़ी अगर जल्दी निकले तो सही है, जल्दी पहुँच जाएगा। तो उसका वजह से जल्दी कुछ खाया भी नहीं होगा, रास्ते में मिल जाएगा तो खा पी लेगा आराम से। तो ठीक है, अभी चलते रहता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए पूरा मिट्टी का वो कर रहे हैं, ट्रक वगैरह में लोड करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। और अभी हम लोग ये ट्रक में आया था 5 किलोमीटर, और ये रहा पूरा हापोली, हापोली पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ पे रुकते फिर हिचकिंग करके चलते आगे की ओर। एक्चुअली यहाँ से 0 शुरू हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू 0। मौसम देखिए ना कितना खूबसूरत है ना यहाँ का। यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है हापोली जो है, ये देखिए क्या खूबसूरत, ओ माय गॉड। सामने का व्यू देखिए गाइस क्या मस्त है। और अभी हल्का फुल्का सब बारिश भी हो रहा है। जैसे तैसे करके हम लोग याजाली पहुँच चुके हैं। और वाह, ये देखिए खाएगा कुछ पति पार्वती हर हर महादेव। तो ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हूँ, फिर यहाँ से चलते आपका नाहरलगुन के लिए। स्टोर है यहाँ पे, वो केला वगैरह वो करके लगता है, लगता है। गाड़ी में आ रहे थे, सर की गाड़ी में आ रहे थे यार, वहाँ पे आते आते नींद लग गई। नींद गाने कुछ ऐसे चला रखे थे डिस्को क्लब वाले। सर यार बहुत अच्छे थे, हमारे को एक एक कप चाय पिलाई। क्या तो था सर की यहाँ पे है तो पोस्टिंग, ये क्या नाम है वो पे, याजाली। हाँ, याजाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन वहाँ से। काफी अच्छा लगा यार सर के साथ, मजा आ गया। 30 किलोमीटर तो आ गया होगा। हाँ, 30 किलोमीटर आ गया होगा हम लोग। एक घंटा लग गया पूरा, एक से भी फालतू लग गया, 1.5 घंटा लग गया। कभी कभी सर उसकी वेट कर रहे थे, कभी फिर चाय पिलाई, ऐसे में टाइम निकल गया। ठीक है, अभी गाड़ी देखता हूँ तो मिल जाएगा गाड़ी का। हाँ, गाड़ी का कोई हमारे को इतना ज्यादा टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा हमें पता आराम से पहुँच जाएगा। और ट्रेन भी रात को 8 बजे है। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
पहले तो चारों तरफ का देखिए नजारा कैसे चेंज हो गया, पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया भाई, बारिश हो रही है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने का। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं, जगह का नाम है 14-9 KM लिखा हुआ है, ये लक्ष्मी होटल। और यहाँ से भी एक रास्ता है, वहाँ से जाने से भी आसाम मिलता है। और ऐसा कुछ है यहाँ का मार्केट एरिया, देख सकते हो गाड़ी आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहे, देखिए वो कितना कोहरा है ना। ठीक है अभी लिफ्ट के लिए ट्राई करता हूँ। तो गाइस 12 बजे पहुंच गया वो नगर नहर लगन, कैसा लग रहा है या क्या लिफ्ट मिली थी यार, सर जी ने लिफ्ट दी, वो जो गाड़ी जा रही है ना भैया, उन्होंने हमारे को लिफ्ट दी, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा लगा, मतलब सर ने हमारे को लिफ्ट दी, बहुत जल्दी पहुंच गया यार, बात मतलब सर लोगों का साथ बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला भाई। और अभी पहले तो पेट पूजा सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पता ही है आप लोगों को। और दिखा देता हूँ, ये रहा आपका वेलकम टू नाहरलगन रेलवे स्टेशन, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अभी यहाँ होटल वहाँ पर एक है, कुछ खा लेता हूँ उसका बाद देखते हैं। तो बस ये रहा, मैं पराठा खा रहा हूँ। और क्या दीपक भाई क्या खा रहे हो, तो पराठा है, अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों भाई पराठा खा रहा हूँ। और ये चाय भी आ चुका है, बस बैठो इधर बैठो, ये रखो ये लो सियर लो। ठीक है तो अभी पराठा खा लेता हूँ, फिर चलता हूँ स्टेशन पे, वहाँ पर ये काफ़ी टाइम बैठने पड़ेगा क्योंकि 8 बजे ट्रेन है और अभी 12 बज चुका है, वहाँ पर रेस करेंगे बढ़िया से। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है क्या नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब ये स्टेशन में आ रहा हूँ नाहरलगन स्टेशन में। तो गाइस अभी बढ़िया से खाना पीना हो गया, मैंने तो मतलब देर पड़ा था खाया क्योंकि भाई को पराठा जमा नहीं, भाई मेरे पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो यार मैं दिया पराठा ये मेरे को खिला रहा है, मुझे क्या मतलब मैं खाता ही नहीं। यहाँ पे वही मिलता है ना भैया, मैंने तो सुबह चुनाता हूँ, ये आसाम वाले है ना, ये मैं इन वो चून में और मैदे में कोई फर्क ही नहीं पता चलता, ये मैदे का है चून का है। पेट भरना चाहिए बस, पेट भर गया मेरा, पेट तो भरना चाहिए लेकिन पेट अच्छा भी तो होना चाहिए ना, फिर बाद में दिक्कत हो क्या फायदा, आदत नहीं होगा ना भाई का, आदत नहीं है मैदा खाने का ना, वही बात है, हम नहीं खाते यार, हम लोग मतलब कभी कभी यहाँ पे ज्यादातर शायद मैदा से बनता है जो पराठा वगैरह है ना, उसको हम लोग खाते रहते हैं ना। तो तू मेरे घर चल और मैं खिलाऊंगा तेरे को पराठा, मुझे ये लोग का आलू का गोभी का पनीर का बोल कौन सा खाना है, मुझे ये वहाँ का खाना वो नहीं होता, हजम नहीं होता जैसे भाई का यहाँ पे हो रहा है। भैया ने पता नहीं यार कहाँ पे खाना खा लिया, कह रहा जीतू मेरे को हरियाणा का खाना अच्छा नहीं लगता। अरे जीतू भाई का घर में, अरे तुमने घर में खाना ना इतना भाई वो लगा के देता है मक्खन, बाप रे बाप, पेट खाली वो हो जाता है भाई, मक्खन इतना कौन खाता है, पूरा ऑयली ऑयली पेट खराब हो जाता है, इतना ऑयली नहीं खा पाएगा। और अभी इसलिए यह जगह में आया है, यहाँ पे एक होटल मिला, क्या लिखा हुआ है होटल रेलवे, अभी यहाँ पे देखता हूँ खाने का कुछ मिलता है कि नहीं भाई के लिए, मेरा तो हो गया। तो गाइस ये रहा नाहरलगन रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह का है बाहर से देख पा रहे हो। और दोनों भाई का खाना पीना हो चुका है, अभी अंदर चलते हैं कहीं पे रेस्ट करते। तो गाइस आ चुका हूँ स्टेशन का अंदर, और यहाँ पे एक ट्रेन लगा हुआ है, ये आपका जा रहा है नाहरलगन टू सुकोभी जो कि है नागालैंड में, अच्छा। और अभी दोनों भाई यहाँ पर ही आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, अभी तो दोपहर का 1:05 है, हम लोग का ट्रेन जो है रात को 8:20 को है ना, 8:20 को, क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा इतना तक तो गया वो, ऐसे लेटता हूँ आराम करता हूँ, उपाय नहीं है क्या करे थे टाइम पास करने का। तो गाइस अभी ना पहले तो टाइम दिखा रहे थे आप लोगों को, देखिए टाइम 4:22, मतलब और 4 घंटा हमें ऐसे ही रहने पड़ेगा। और यहाँ पे सोने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया था लेकिन नींद नहीं आता है, दिन को तो नींद नहीं आएगा ना, और ऐसा स्टेशन में कहाँ नींद आने वाला है, बहुत बुरा हाल हो गया यार। 12 बजे आ गए और 4 घंटे यार भी हमारे को पता हम कैसे यहाँ पे स्पेंड करेंगे, और 4 घंटा बाकी है। पहली बात तो यार यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा, और ऊपर से ये भी नहीं चल रही पंखे, कैमरा मैंने पर पंखे दिखाया, पंखा भी बंद, पंखे भी बंद। और आपको एक चीज और बताता हूँ, जो ये स्टेशन है ना इसमें हद मार के हमको जोड़ के ज्यादा से ज्यादा 10 यात्री है, और हम यहाँ पे आए थे 12 बजे, और 12 बजे से लेकर अभी 4:24 एक भी ना तो ट्रेन आई है ना गई है, पता नहीं यार स्टेशन पे ट्रेन आती भी है या नहीं आती, क्या चक्कर है।
ना तो कोई गाड़ी आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है ना यहाँ लोग आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहा भाई अभी बिल्कुल खाली स्टेशन खाली स्टेशन है कोई ना तो कोई आदमी आ रहा ना क्यों और यहाँ खाली वही एक ही ट्रेन जाता है जो आने जाने के रात को हाँ नहीं एक्चुअली यहाँ से गुवाहाटी दो ट्रेन जाती है एक ट्रेन जाती है सुबह 6:25 और एक ट्रेन ये जाती है 8:20 तो मेरे को तो लगता नहीं यार उन दो ट्रेनों के अलावा यहाँ पे और कोई ट्रेन जाती है ना तो भाई कोई यहाँ पे चहल पहल ना तो कोई चिप्स वगैरह ना कोई पानी वगैरह कुछ नहीं पानी भी वहाँ बाहर जाके पी के आना पड़ता है भाई थक गया बहुत बुरे थक गया हमें ऐसा पता होता ना कि यहाँ पे ऐसा माहौल होगा तो हम सिटी में रहते थोड़ी सिटी को एक्सप्लोर भी कर लेते ठीक है अभी मुझे तो भूख लग रहा है क्योंकि भूख मेरे को भी लग रही है लेकिन सुबह कुछ खाया था लेकिन जमा नहीं वो भाई को जमा था कैसा लगा नहीं मैं तो पराठा खाया था खाली अभी जाकर फिर मैं भात खाने वाला हूँ भाई क्योंकि पूरा रात ट्रेवल कर मतलब चलने पड़ेगा ना ट्रेन में उसका वजह से अभी जाकर भात पूरा पेट फूल करके खाएगा रात को टेंशन नहीं रहेगा और भाई को भी मतलब वो आटा वाला पराठा आटा वाला पराठा आटे वाले पराठे की दुकान अपने को मिल गई भाई और 60 रुपये में दे रहे एक पराठा बढ़िया पराठा और साथ में सिल ये गोल कटोरे में बढ़िया जोरदार टेंशन नहीं है हम लोग कितना हम 3 बजे करीब दिखा रहे कामाख्या स्टेशन रात को हाँ रात को वो उतारेगा 3:40 हाँ ऐसा ही कुछ 3:30 का बजे पहुँच जाएगा और आप देख सकते हो यार मैं तो कितना हंसी मजाक करने वाला बंदा मैं तो यार चेहरा उतरा हुआ मेरा क्या यार कभी यहाँ लेट जाऊँगा कभी वहाँ लेट जाऊँ टाइम पास ही नहीं हो रहा ठीक है तो ऐसे ही अभी चलता हूँ कुछ टाइम रुक के खाना वाना खा लेता हूँ फिर मिलते हैं आपसे तो गाइस अभी शाम का 6 बजने वाला है और 15 मिनट बाकी है सुबह से मतलब दोपहर से जब आया ना ये ट्रेन जो खड़ा हुआ था ये ट्रेन हम लोग का वाला ट्रेन है अभी हम लोग को पता चला वहाँ पर जो ट्रेन का नंबर दिया हुआ है ना फिर भाई ने भी बोला है कि ट्रेन का वो चेक करो फिर भाई ने भी बोला था ट्रेन का वो चेक करो कौन सा ये ट्रेन है कि नहीं कौन सा नंबर फिर जाके चेक किया तो पता चला कि ये ट्रेन है हम लोग का वाला तो खाना पीना खा लिया बाहर में जाके अभी थोड़ा सा रुकता हूँ 6 बजने वाला है मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा करीब है फिर आराम से चले 2.5 घंटा और लग जाएगा ट्रेन में और हम लोग का जो डिब्बा है ना एकदम लास्ट में देख के आया लेकिन अभी वो डिब्बा खोला नहीं है खोला तो उसका वजह से यहाँ पर ही दोनों भाई बैठा हुआ आराम से तो आपने 12 बजे से 12 बजे से खड़ी है ट्रेन हमारे सामने और हमारे को ना एक मिनट के लिए भी ये नहीं पता चला था यही हमारी ट्रेन हम लोग का वो तो जैसे हम खाना खा के आए ना तो मैंने एकदम दिमाग लगाया यार ना तो ये हिल रही है ना डुल रही है ना ये जा रही है ना कि कोई ट्रेन आ रही है मगर भाई एक बार इसी ट्रेन को चेक करो ना फिर नंबर मिला ट्रेन तो जब हमने नंबर मोबाइल पे चेक किया तो फिर इसका नंबर मिला तो ये ट्रेन तो ये हमारे साथ में वो खेल हो गया स्कैम नहीं कहते स्कैम हो गया ठीक है यार हमारे कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस कैम में बट कंफ्यूज थे ठीक है गाइस जब ट्रेन चलने लगेगा फिर मिलते हैं आपसे तो गाइस अभी रात का 8 बजने वाला है और फाइनली जो है हम लोग ट्रेन में उठ चुका है और दोनों भाई को सीट भी मिल गया यहाँ पे दीपक भाई सही है मुझे भी सीट मिल गया ये रहा दोनों भाई बातें करते गपचुप मर पे पहुंच जाएंगे ज्यादा तो लोग नहीं है अभी खाली है और गाइस अभी 8 बजने वाला है और 15 मिनट बाकी है और ट्रेन जो है आपका 8:20 में यहाँ से चल जाएगा और क्या बोलता हूँ ये ट्रेन का नाम है डोनी पोलो ठीक है अभी थोड़ा सा आराम कर दो दिन से भाई दो पैर से बैठ के ना हालत ख़राब हो गया अभी जाके थोड़ा सा लेटने का सीट मिल चुका है तो बढ़िया से आराम करता हूँ फिर मिलता हूँ रात को 3 बजे उतरने पड़ेगा हम एक स्टेशन में जंक्शन फिर मिलते हैं भाई अपना घर जा रहा है ना इसलिए पूरा भाई मैं बहुत खुश खुश है बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ एक्चुअली घर पे काम आ गया यार इसलिए जा रहा खुश नहीं तो यार हमारा हम दोनों भाई का टारगेट था यहाँ पे कम से कम 20-22 महीने ट्रेवल करने का टारगेट कोई नहीं भाई चश्मा गिर गया भाई का उठाओ मेरे से घोपड़े गिर गया क्या तो ठीक है गाइस थोड़ा बाद में मिलते हैं आपसे बढ़िया से फाइनली जो है कामाख्या जंक्शन पहुंच गया हूँ